हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गेट योर कॉलेज। मेरा नाम अतुल जैन है और मैं पेशे से एक करियर काउंसलर हूं। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CUET और CUCET। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है और बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आज के वीडियो में आपको CUET या CUCET के बारे में बताने वाला हूँ, पूरा जानकारी दूंगा, एवरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट आई एम गोइंग टू कवर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि CUET क्या है या CUCET क्या है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दोनों एक ही बात है। मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हूँ इस वीडियो के लिए, थोड़ा लेट हूँ, आई एम सो सॉरी, बट लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो अर्लियर इसका नाम CUCET रखा गया था, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से CUET ही दिया गया है। और CUET में भी दो लेवल के एग्जाम्स होंगे, एक होगा UG लेवल और एक होगा PG लेवल। UG लेवल के एग्जाम्स अलग होंगे और PG लेवल के एग्जाम्स अलग होंगे। UG लेवल का एग्ज़ाम का जो लास्ट डेट था, फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट था, वो 21-22 तारीख था, जो कि ख़त्म हो चुका है। अब आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम्स देना है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए आपको पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, जो कि CUET.samarth.ac.in है, ठीक है। CUET.samarth.ac.in। चलिए, कौन कौन से कोर्सेज, मेन कोर्सेज हैं जो इसके थ्रू आप जा सकते हैं, जैसे कि BTech के सारे कोर्सेज जा सकते हैं, BSc कर सकते हैं आप, BA LLB, इंटीग्रेटेड MSc भी आप कर सकते हैं, BBA, BA इन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फॉरेन लैंग्वेजेस, BA इस्लामिक स्टडीज़, BA इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। ये सारे कोर्सेज के लिए CUET UG एग्जाम आप दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस अंडर CUET। CUET के अंदर में कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस आने वाले हैं। 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 12 स्टेट यूनिवर्सिटी, 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारे बाद में भी अटैच हुए हैं जो इसके थ्रू एडमिशन देंगे आपको, ठीक है। जो कुछ टॉप के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ आपके सामने। सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद है JNU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो इसके अंदर आए हैं वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS मुंबई, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके अंडर में आ रहे हैं और इसके थ्रू ही एडमिशन्स देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप है, बिकॉज पहले क्या हो रहा था, सिर्फ मेरिट बेसिस में एडमिशन हो रहा था और कई सारे स्टेट्स में ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था स्टूडेंट्स के लिए, कि जो बच्चे स्टेट बोर्ड से होते थे और उनके स्टेट्स में अगर थोड़ा सा लीनियंट चेकिंग हो गया या लीनियंसी हो गई तो उन्हें नंबर आसानी से मिल जाता था, और कुछ स्टेट्स में जहाँ पे डिफ़िकल्ट चेकिंग होती थी उनको नंबर कम मिलता था। तो सभी को एक लेवल पे लेकर आ गए हैं। अब आप ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अच्छा कोर्स मिल सकता है, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, और अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो इनको सबको एक लेवल लाने के लिए गवर्नमेंट पिछले 4-5 सालों से ट्राई कर रही थी, फाइनली इस साल जाके वो एग्जीक्यूट कर पा रही है, ठीक है। CUET एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। CUET एग्ज़ाम इज प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैविंग MCQs, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और MCQ बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर में। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब अगर आपने अच्छा सही टिक किया है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने सही टिक नहीं किया है तो आपका -1 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पेपर इज डिवाइडेड इन 3 सेक्शन। सेक्शन 1 इज लैंग्वेजेस। फर्स्ट जो सेक्शन होगा वो लैंग्वेजेस का होगा। इन दिस सेक्शन स्टूडेंट विल बी गेटिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, चूजिंग करेक्ट वर्ड, रीअरेंजिंग जंबल सेंटेंस वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन द लैंग्वेजेस दैट विल बी सेलेक्टेड। द सेक्शन विल बी कंटेनिंग 50 क्वेश्चंस ऑफ विच 40 आर मैंडेटरी। मतलब 50 में से 40 मैंडेटरी होंगे और 10 आप चूज कर सकते हैं कि आपको करना है कि नहीं करना है। मतलब 50 में से जो 40 आपको सबसे सही लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आपको आंसर उसके कन्फर्म पता है, आप बस उतना ही अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है 1B, वो भी लैंग्वेजेस के हैं। दिस सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। स्टूडेंट परसुइंग लैंग्वेजेस एज हायर स्टडीज और हैविंग टेकन लैंग्वेज इन देयर 10+2 मे गिव दिस सेक्शन,
ठीक है, सबके लिए नहीं है ये। जो हायर स्टडीज़ में लैंग्वेजेस ही लेना चाहते हैं या 10+2 में उनका लैंग्वेज कोई था स्पेसिफिक, तो उनके लिए है ये, ठीक है। अब आएगा सेक्शन 2, बेसिकली ये होगा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। 27 सब्जेक्ट्स का इसमें एग्जाम हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ इसमें क्या क्या है। अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स कैन बी चोजन, मतलब आप 27 में से कोई भी 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। द 27 सब्जेक्ट्स इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा विल बी आस्क्ड। स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट 40 out of 50। इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको मिनिमम 40 अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। अगर आप इससे कम करते हैं तो क्या होगा, मैं आपको इसकी जानकारी भी दूंगा। और ये 45 मिनट्स का सेक्शन है, मतलब 45 मिनट में ही आपको ये सेक्शन कंप्लीट करना है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा समय मिल रहा है, ठीक है। सेक्शन 3 जनरल अवेयरनेस, ये सबके लिए कॉमन है। स्टूडेंट विल बी आस्क्ड जनरल क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। दिस सेक्शन हैव 75 क्वेश्चंस और मिनिमम आपको 60 अटेम्प्ट करके आने हैं। 60 अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मतलब अच्छा स्कोर कराएगा। आप 75 में से चूज कर लें, स्ट्रेटेजी ऐसा बनाएं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, जो आपको लग रहा है आप श्योर हो बस उतना ही अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन स्लॉट की बात करें, स्लॉट 1 जो है मॉर्निंग 9 to 12:15 PM का है, स्लॉट 2 जो है वो 3 PM to 6:45 का है। दो स्लॉट्स हैं, सुबह 9 से 12:15 और दोपहर में 3 बजे से शाम 6:45 तक का दो स्लॉट है, ठीक है। What is the last date and procedure for CUET registration and its fees? Because मैं थोड़ा लेट हूँ तो आपको पता तो होगा ही, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत नहीं बताया कि 22 तारीख लास्ट डेट था। 22 के बाद अब आप जो फॉर्म भरना चाहेंगे वह फॉर्म नहीं भर सकते। हाँ, CUET PG के जो जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली अभी भी फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल ऑफिशियल साइट में जाएं और वहाँ पे पूरा फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो कि सर कौन से कोर्सेज आ रहे हैं, कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच। माय नेम इज अतुल जैन एंड आई एम अ करियर काउंसलर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।